स्टेप तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने उसी टॉपिक से, वो जो है हमारा लार्ज नंबर। टॉपिक है हमारा लार्ज नंबर। लार्ज नंबर का मतलब होता है बड़ा नंबर। ओके, बड़ा नंबर को हम अभी तक हमने 1000 तक काउंटिंग पढ़ी थी, 1 से लेके 1000 तक। अब हम चलेंगे लाख पे और करोड़ पे, लाख और करोड़। उससे पहले हम लोग एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं जिसमें हम लाख और करोड़ तक की डिजिट्स को जस्टिफाई करेंगे। पहले हम बनाएंगे इस तरीके से 4 बॉक्सेस। जो पहला बॉक्स है हमारा वो है वंस का, देन सेकंड वन हमारा है 1000 का, देन थर्ड वन हमारा है लैक का, और फोर वन जो कॉलम है वो है हमारा क्रोर का। कौन सा है? करोड़ का। ठीक है, अब इनके अंदर भी हम लोगों को डिवीजन करना है। वंस वाले कॉलम में हमारे पास 3 बॉक्सेस होते हैं, 1, 10, 100। 1000 पे हमारे पास 2 कॉलम होता है, 10,000। लाख में भी हमारे पास 2 कॉलम होता है, 1 लाख और 1 10 लाख। वैसे ही करोड़ में भी हमारे पास होता है 1 करोड़ और 1 10 करोड़। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे 0 और 1 के ये डिजिट्स लेते हैं। अब आपके पास कोई भी एक वैल्यू है, सपोज यू हैव 1, हम इस डिजिट को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में रखेंगे। ठीक है, तो हम पहले के जितने भी जीरोस हैं इसे मिटा देते हैं। ओके, हमें जितने भी जीरो हैं हमने सारे मिटा दिए। अब हम हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना। यहाँ 9, 7, 4, 2, 3, 6, 4। तो ये हमारा बन गया 4, 6 हमारे लैक के कॉलम में आया है, 3, 2 हमारा 1000 के कॉलम में आया है, 4, 7, 9 हमारा वंस के कॉलम में आया है। आप इतनी बड़ी डिजिट को हम अगर इस चार्ट को ना देखें और सिर्फ बोला जाए इसको रीड आउट करके बताओ तो भी हमारे लिए टिपिकल होगा इसको आइडेंटिफाई करना। हम क्या करेंगे, इस प्लेस वैल्यू की मदद से इस डिजिट में कॉमा लगाना सीखेंगे। वंस में 3 कॉलम था, 1, 2, 3, तो हम यहाँ पे भी 1, 2, 3 कॉमा लगाएंगे। देन 1000 में भी 2 बॉक्सेज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो 1, 2, 2 और ये। तो ये हो गया हमारा लैक, ये हो गया हमारा 1000 और ये हो गया हमारा वंस। अब हम इसी की मदद से नंबर नेम को लिखना और नंबर्स को फिगर्स में लिखना हम इसी प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से हम सीखेंगे। ओके, जो क्वेश्चन 1 है उसमें लिखा है 6 करोड़ 45 45 45 200 7। ओके, अब हमने ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ा है हमारे पास 6 करोड़। तो हम अगेन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, लेकिन हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। हम ये देखेंगे वंस के कॉलम में हमारे पास 3 बॉक्सेस थे, फिर हम कॉमा लगाएंगे, देन हमारे पास 1000 आता है, देन लैक, देन करोड़। आप उसके नीचे लिख सकते हैं ये वंस, ये 1000, लैक एंड करोड़, 6 करोड़ है। अगर मैं यहाँ 6 और यहाँ 6 लिखूँ तो ये करोड़ के कॉलम में 0 आएगा, तो हम ये नहीं लिखेंगे और ना ही यहाँ 6 लिखेंगे, हम 6 यहाँ लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 6 करोड़। नेक्स्ट 45,000, अब लैक वाला कॉलम तो खाली रह गया, इसको हम बाद में देखेंगे, 1000 45,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 45,207 लैक का कॉलम हमारे पास खाली है, हम उसमें बिना सोचे समझे 0 लगा देंगे। अगर हमने ये 0 नहीं लगाया तो ये डिजिट हमारी बन जाएगी, और जब हम इसे रीड करेंगे तो
क्वेश्चन पे हमें जीरो लगाना नेसेसरी है ताकि उसकी पोजीशन रहे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही जो आंसर है वो है 6004527, ये है हमारा करेक्ट आंसर। आप कॉमा भी इस तरीके से ही लगाएंगे, पहले थ्री डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3, तब कॉमा लगाएंगे, देन उसके बाद 1 2 1 2, टू टू डिजिट्स के डिफरेंस में हमें कॉमा लगाना है। अगर हम इसी को आपको फिगर दिया जाए, उसको बोला जाए कि आपको नंबर नेम्स में लिखना है, तो भी हम लिख सकते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है 2345206। अब ये देखिए, इसमें ऑलरेडी कॉमा लगा हुआ है, तो आप बस उसको आइडेंटिफाई करें, 1000 और ये लैक। अब इसमें कैसे करना है, आप पहले लैक वाला कॉलम देखिए, इसको हम छुपा लेते हैं। अगर सिर्फ मैं ये देखूँ तो ये हम क्या बोलेंगे इसको, 23 को हम एज इट इज 23 लिखेंगे और नीचे लिखा है लैक, तो ये बन जाएगा हमारा 23 लैक। अब हम लिखते हैं 45। अब 45 के यहाँ आगे भी कॉमा है, पीछे भी कॉमा है, तो हम इनको और इसको छुपा लेते हैं। ये सिर्फ बोला जाएगा 45 के साथ कौन से कॉलम है, ये भी हमें देखना है, 45000, तो ये बनेगा हमारा 45000। देन लास्ट में बचा हमारे पास ये, तो ये हम एज इट इज 206। बस हमें इस तरीके से इस फिगर को हमें वर्ड्स में लिखना है।